Hello, welcome to the AgriTopers Academy YouTube channel. We are covering 10 pages daily from the latest 12th edition Nimrat Sunda book. Additionally, you are having the opportunity to participate in a high quality quiz based on the same 10 pages. To join the quiz, click on the link provided in the description to join our General Agriculture Telegram group. And don't forget to subscribe to our channel to stay updated and never miss a video. So without wasting time, let's start our lecture. First topic is classification of crops based on families. यहाँ पे कुछ families दी हैं और उससे related उनके crops के example दिए हैं. First family है Gramini family and इसका new name है Poaceae family. Gramini family में हम generally cereals को include करते हैं. नेक्स्ट फैमिली है लेग्यूमिनेसी फैमिली. लेग्यूमिनेसी फैमिलीज के नेम से इंडिकेट हो रहा है, इट मींस इट इंक्लूड्स लेग्यूम्स. मोस्टली ये पल्सेस को इंक्लूड करती है. इसके अलावा ग्राउंडनट, सन हैम, बरसीम, अल्फा अल्फा, ढेंचा एंड मेथी भी इसके अंदर आती हैं. थर्ड फैमिली है सोलेनेसी फैमिली. सोलेनेसी फैमिली में आते हैं ब्रिंजल, टोमेटो, पोटेटो, टोबेको एंड चिली. फोर्थ इज क्रूसीफेरेसी फैमिली, इट इंक्लूड्स मस्टर्ड, रेडिश, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर. क्रूसीफेरेसी फैमिली को हम ब्रैसिकेसी फैमिली भी बोलते हैं. इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं, इनके जो साइंटिफिक नेम है उसमें जीनस ब्रैसिका आता है. नेक्स्ट फैमिली इज कुकुरबिटेसी फैमिली, इट इंक्लूड्स ऑल द गार्ड्स, कुकुम्बर एंड पम्पकिन. गार्ड्स में आते हैं जैसे कि रिज गार्ड, बॉटल गार्ड्स. नेक्स्ट फैमिली है मालवेसी फैमिली. ये एक इम्पॉर्टेंट फैमिली है जिसमें इंक्लूड होते हैं कॉटन एंड ओकरा. नेक्स्ट फैमिली इज एस्टरेसी फैमिली, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंपोजिटिव फैमिली. इस फैमिली को हम एस्टरेसी और कंपोजिटिव फैमिली इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं. जब भी हम सनफ्लावर को देखते हैं तो वो एक सिंगल फ्लावर नहीं होता है, इसके अंदर नंबर ऑफ फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसे कंपोजिटिव फैमिली बोलते हैं. And it also includes safflower and niger. Next family is Chenopodiaceae family, which includes spinach, beet and sugar beet. Next is Euphorbiaceae family, which includes castor and topica. Next family is Convolvulaceae family, which includes sweet potato. Umbelliferae family includes coriander and carrot. Next is Eliaceae family, it includes onion and garlic. जैसे कि इनके बॉटनिकल नेम होते हैं एलियम सीपा, उसी से रिलेटेड इनकी फैमिली भी है एलिएसी. नेक्स्ट फैमिली है जिंजिबरेसी, विच इंक्लूड्स जिंजर एंड टर्मेरिक. फैमिली के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रॉप प्रोडक्शन. इस लेक्चर के बाद आगे दो लेक्चर में भी हम क्रॉप प्रोडक्शन को ही डिटेल में समझने वाले हैं, जिसमें हम सीरियल क्रॉप्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड क्रॉप्स को डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट क्रॉप है राइस क्रॉप. इसका बॉटनिकल नेम है ओराइजा सेटाइवा एंड क्रोमोसोम नंबर इज 2N=24. राइस वर्ल्ड वाइड एक स्टेपल फूड है जिसे मोर देन 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन यूज करती है. वर्ल्ड में यूज होने वाला 90% से ज्यादा राइस एशिया के अंदर कंज्यूम्ड होता है और प्रोड्यूस होता है. It is a crop of wet tropical climate and also grown in humid regions of subtropics. India occupies first position among the cereals in respect of both area and production. जैसे कि कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि जितने भी सीरियल्स होते हैं उनका प्रोटीन परसेंटेज 10-11 के रेंज में होता है एंड जितने भी पल्सेस क्रॉप होती है उनका प्रोटीन परसेंटेज 20-25 रेंज के बीच में होता है. लेकिन राइस के अंदर कम प्रोटीन परसेंट होता है, जैसे कि वाइट राइस में होता है 6-7% एंड ब्राउन राइस में होता है 7.9% एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 2-2.5% फैट विच इज लॉस्ट ड्यूरिंग मिलिंग. नेक्स्ट पॉइंट है हुलिंग परसेंट इन राइस इज 66% और 2/3 ऑफ पैडी. हुलिंग का मतलब होता है राइस के ऊपर कर्नल के ऊपर लेमा एंड पेलिया प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कंबाइंड हुल बोलते हैं एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दैट हुल इज कॉल्ड एज हुलिंग. सो दैट हुलिंग परसेंटेज इन राइस इज 66%.
जनरल सीरियल्स में 1 kg ट्राइमेट्रिक को प्रोड्यूस करने के लिए 400 टू 500 लीटर ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, बट राइस नॉर्मल क्रॉप के कंपैरिजन में 10 टाइम्स ज़्यादा वाटर कंज्यूम करता है एंड इसकी वाटर रिक्वायरमेंट है 5000 लीटर ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस 1 kg ग्रेन ऑफ राइस। राइस कल्टिवेशन हम सब ने देखा है, फील्ड के अंदर हम वाटर फील्ड कर देते हैं और उसके बाद हम राइस को ट्रांसप्लांट करते हैं। सो राइस कल्टीवेशन के लिए हम नाइट्रेट फर्टिलाइजर का यूजुअली यूज नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर डीनाइट्रिफिकेशन एंड लीचिंग लॉसेस होते हैं। राइस में एक लाइसिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट होता है एंड इसका फ्रैक्शन है 4% ऑफ टोटल प्रोटीन फ्रैक्शन। द मेन प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन राइस इज कॉल्ड एज ओराइजिनिन, जैसे कि इसकी नेम से इंडिकेट हो रहा है, ओराइजा सेटाइवा से ये ओराइजिनिन वर्ड बना है। प्रोपेनिल इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड इन राइस। नेक्स्ट टॉपिक है एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया कम्स फर्स्ट इन एरिया, फॉलोड बाय चाइना एंड देन इंडोनेशिया। इन प्रोडक्शन वाइज चाइना इज लीडिंग, फॉलोड बाय इंडिया एंड देन चाइना। इन प्रोडक्टिविटी वाइज USA is leading, followed by Japan and then China. इंडिया में हम देखें तो एरिया वाइज सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन होता है वेस्ट बंगाल में, देन UP एंड देन बिहार। प्रोडक्शन वाइज फर्स्ट इज वेस्ट बंगाल, followed by UP एंड देन आंध्र प्रदेश। एंड प्रोडक्टिविटी वाइज देखा जाए तो पंजाब इज लीडिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन। जीनस ओराइजा हैव 24 स्पीशीज आउट ऑफ विच 2 आर कल्टिवेटेड। फर्स्ट इज ओराइजा सेटाइवा एंड सेकेंड इज ओराइजा ग्लेबेरिमा। ओराइजा सेटाइवा इज अ डिप्लोइड स्पीशीज ऑफ राइस। इट्स क्रोमोसोम नंबर इज 2n = 24। हियर 3 मेन जियोग्राफिक रेसेस ऑफ ओराइजा सेटाइवा इज गिवन। फर्स्ट इज इंडिका, सेकेंड इज जैपोनिका एंड थर्ड इज जावानिका विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बालू राइस। इंडिका इट इज ग्रोन इन इंडिया। इट इज कैरेक्टराइज बाय टॉल स्टेचर, वीक स्टेम, लो प्रोडक्टिविटी, ड्रॉपी लीव्स, इररेस्पॉन्सिव टू हाई इनपुट कंडीशन। इसमें हम कितना भी हाई इनपुट कंडीशन प्रोवाइड करेंगे स्टिल प्लांट की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी और ये इररेस्पॉन्सिवनेस शो करता है। सेकेंड इस है जैपोनिका। इट इज ग्रोन इन जापान। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट स्टेचर, स्टर्डी स्टेम, डार्क ग्रीन लीव्स एंड इट शोज रेस्पॉन्सिव टू इंटेंसिव इनपुट कंडीशंस, हैविंग हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, ग्रेन शेप आर ओवल टू राउंड इन शेप। थर्ड है जावानिका विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बालू राइस। इट इज ग्रोन इन इंडोनेशिया। इट हैज फ्यू टिलर्स। इट इज अ वाइल्ड फॉर्म ऑफ राइस, हैज मेनी ऑन्स एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ग्रोइंग पीरियड। सेकेंड स्पीशीज इज ओराइजा ग्लेबेरिमा। इट इज ग्रोन इन वेस्ट अफ्रीका ओनली। नेक्स्ट यहाँ पे राइस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं। राइस का ओरिजिन हुआ है इंडो बर्मा रीजन से एंड राइस इज अ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। राइस का फ्रूट टाइप होता है कैरियोप्सिस। मोस्टली जो सीरियल्स हैं उन सभी में फ्रूट टाइप कैरियोप्सिस ही प्रेजेंट होता है। द ग्रेन ऑफ कैरियोप्सिस इज टाइटली इनक्लोज्ड बाय द लेमा एंड पेलिया विच इज कलेक्टिवली कॉल्ड हुल एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हुल इज कॉल्ड एज हुलिंग। टेस्ट वेट राइस में होता है 25 ग्राम। टेस्ट वेट का मतलब है द वेट ऑफ 1000 ग्रेन्स। राइस स्टेम इज कॉमनली कॉल्ड एज कल्म और हुल्म। इन्फ्लोरसेंस जनरली जितने भी सीरियल्स होते हैं उनका इन्फ्लोरसेंस को हम पैनिकल और स्पाइकलेट्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इस एक्सेप्शन आता है मेस का जिसके इन्फ्लोरसेंस को हम टेसल और सिल्क बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्लाइमेट। तो राइस एक C3 प्लांट है एंड इट इज़ अ शॉर्ट डे प्लांट एंड इट रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल। राइस रिक्वायर्ड क्ले एंड क्ले लोमी सॉइल विच इज बेस्ट सुटेबल फॉर राइस कल्टीवेशन। एसिडिक सॉइल्स आर गुड फॉर राइस कल्टीवेशन जिसका पीएच होता है अराउंड 4 to 6। एवरेज टेम्परेचर फॉर प्लांट ग्रोथ इज 21 to 37 डिग्री सेल्सियस।
In India, mostly rice cultivated on low land condition. Rice is a semi-aquatic plant which is grown based under submerged condition. Under this condition, the atmosphere oxygen is transported by parenchymatous tissue of leaves. Generally, ये जो parenchymatous tissue है, ये aquatic plants, hydrophytes and wetlands plant के लिए present होते हैं. तो राइस भी एक सेमी एक्वेटिक प्लांट है, इसीलिए इसमें एरेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है. ये टिश्यू ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्पफुल रहता है. नेक्स्ट टॉपिक इज सीजन. राइस कैन बी ग्रोन इन 3 सीजन्स, ओस, अमन एंड बोरो. इन ओस सीजन सोइंग टाइम इज फ्रॉम अप्रैल टू मई. इन अमन सीजन सोइंग टाइम इज फ्रॉम जून एंड जुलाई. बोरो सीजन विच इज ऑल्सो कॉल्ड इज स्प्रिंग सीजन, इट्स सोइंग टाइम इज फ्रॉम नवम्बर टू दिसंबर. इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री ओनली अमन खरीफ क्रॉप इज टेकिन ड्यू टू द फॉलिंग ऑफ टेम्परेचर इन विंटर. नेक्स्ट टॉपिक है वेराइटीज. यहाँ पे राइस की कुछ स्पेशल वेराइटीज दी हैं. फर्स्ट ड्वार्फ वेराइटी ऑफ राइस डेवलप्ड इन वर्ल्ड इज तेवान नेटिव फर्स्ट. It was developed in 1964-65. First high yielding dwarf variety developed in world is IR8. It is released by International Rice Research Institute in 1966. IR8 was the second introduced variety in India from IRRI, which was developed in Philippines in 1965. First Indian high yielding earliest semi dwarf variety was Jaya. It was released in 1968, evolved by Dr. Shastri, and it is a cross between TN first and type 141. It is a good yielder as compared to TN1 and IR8 both, hence it is called as miracle rice in India. Kutok evolved two varieties which are named as Malinga and Mesuri. Mutant dwarf variety of rice is Jagannath and Satari. Varieties which are suitable for direct seeding is Bala, Kovari, Nagina 22, Pusa 221. Bacterial blight tolerant variety is TKM6. The soil salinity tolerant variety is IR8 and Lunishvi. Variety which is suitable for waterlogged area is Jalmagan. First hybrid of basmati in world is PRH10. First hybrid of rice in India is CORH1. Pusa Basmati First is the first high yielding dwarf variety under quality rice has been developed by IRI through convergent breeding. These all are the important varieties. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सीड रेट. डिफरेंट सोइंग मेथड्स के लिए सीड रेट्स डिफरेंट होती है. फर्स्ट फॉर ब्रॉडकास्टिंग सीड रेट इज 100 केजी पर हेक्टेयर. ब्रॉडकास्टिंग में हमेशा सीड रेट ज़्यादा होती है. देन सेकंड इज ड्रिलिंग मेथड. इन ड्रिलिंग मेथड सीड रेट इज 60 केजी पर हेक्टेयर. थर्ड इज फॉर हाइब्रिड राइस प्रोडक्शन सीड रेट इज 15 केजी पर हेक्टेयर. And in Debog method, seed rate is 1.5 to 3 kg per hectare. Debog method को हम आगे discuss करते हैं. Next यहाँ पे spacing दी है. जब भी हम rice plant करते हैं, तो इसमें row to row, plant to plant distance होता है 20 by 10 cm का. Next topic is fertilizer management. The NPK ratio recommended for rice cultivation is 100:60:60 kg per hectare and 25 kg of zinc sulfate is generally recommended in rice for high yielding. Rice cultivation में हम waterlogged puddle conditions को develop करते हैं. इसमें 2 zones होते हैं. First zone 1 to 10 mm की height में present होता है. It is a thin surface level which contains oxygen is called as oxidized zone and इसके below जो layer present होती है उसे हम reduced layer बोलते हैं and reduced zone बोल सकते हैं. In this zone oxygen is absent. The use of nitrate fertilizer in paddy field should be avoided due to more susceptibility to loss of nitrogen through leaching and denitrification. अभी मैंने बताया था कि nitrogen
फर्टिलाइजर में हम नाइट्रेट फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर लीचिंग एंड डीनाइट्रिफिकेशन जैसे लॉसेस होते हैं। फिर हम क्या यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम अमोनिकल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं। बट इफ़ वी हैव टू यूज़ नाइट्रेट फर्टिलाइजर इन लो लैंड देन वी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन ऑक्सीडाइज जोन ओनली। द नाइट्रोजन यूज एफिशियंसी इन राइस इज 30-40%। नेक्स्ट टॉपिक इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट टोटल नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट ऑफ राइस कुड बी ब्रॉट डाउन बाई अबाउट 25-30% थ्रू बायो फर्टिलाइजर विच इंक्लूड्स मोस्टली एल्गी। इन एडिशन टू ब्लू ग्रीन एल्गी द एसोसिएशन ऑफ वाटर फर्न एजोला विद द ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबीना एजोली ऑल्सो हेल्प्स इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। एजिटोबैक्टर इट इज अ नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इट फिक्सेस एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन बायोलॉजिकली इन अपलैंड राइस फील्ड। नेक्स्ट यहाँ पे राइस की एक इम्पॉर्टेंट डिजीज दी है विच इज खैरा डिजीज। दिस डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ जिंक एट नर्सरी स्टेजेस। द टिप ऑफ जिंक डेफिशियंट लीव्स फर्स्ट बिकम येलो एंड देन ड्राई एंड प्लांट रिमेन स्टंटेड। दिस डिजीज इज मार्क्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रस्ट कलर्ड और ब्राउनिश रेड कलरेशन ऑन द सर्फेस ऑफ आउटर लीव्स। दिस डिजीज वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय वाई एल नेने इन 1966 एट पंतनगर उत्तराखंड। इट इज मैनेज्ड बाय द स्प्रे ऑफ जिंक सल्फेट एट द रेट ऑफ 5 kg एट नर्सरी स्टेजेस और फोलियर स्प्रे ऑफ 0.5% जिंक सल्फेट इन अर्ली स्टेज ऑफ क्रॉप। सेकेंड डिजीज है ब्राउनिंग ऑफ राइस। ब्राउनिंग ऑफ राइस होती है आयरन टॉक्सिसिटी की वजह से। ब्राउनिंग ऑफ राइस एक मेजर प्रॉब्लम है विच कॉज ड्यू टू आयरन टॉक्सिसिटी। इन वाटर लॉक्ड एसिड सल्फेट सॉइल्स ऑफ अल्टी सोल्स एंड ऑक्सी सॉइल्स द आयरन टॉक्सिसिटी अकर मोस्ट कॉमनली। द बिगनिंग ऑफ आयरन टॉक्सिसिटी इज कैरेक्टराइज बाय द अपियरेंस ऑफ पर्पल कलरेशन एट द लीफ टिप्स एंड फाइनली एज अ स्कोर्च्ड अपीयरेंस। तो खैरा डिजीज में फर्स्टली लीव का कलर येलो एंड देन ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है एंड ब्राउनिंग ऑफ राइस में अर्ली स्टेजेस में लीव का कलर पर्पल में चेंज हो जाता है। एंड फाल्गुना वेराइटी इज टॉलरेंट टू आयरन टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है सिलिकन इन राइस। सिलिकन इज रिगार्डेड एज द एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन राइस प्रोडक्शन। सिलिकन डेफिशियंट प्लांट्स आर सॉफ्ट एंड ड्रॉपी। जनरली राइस कल्टीवेशन के लिए सिलिकन की रिक्वायरमेंट होती है एट द टाइम ऑफ पैनिकल इनिशिएशन स्टेज, क्योंकि पैनिकल इनिशिएशन स्टेज में रूट की एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है एंड ट्रांसपिरेशन रेट हाई हो जाती है। उस टाइम पे जनरली सिलिकन की रिक्वायरमेंट होती है। इट हैज बीन नोटिस्ड दैट सिलिकन प्रोवाइड्स अ थिक क्यूटिकल सिलिका लेयर विच फंक्शन एज अ बैरियर अगेंस्ट अटैक बाय इंसेक्ट एंड पेस्ट। सिलिकन डेफिशिएंसी कैन बी करेक्टेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ बेसिक स्लैग एट 1.5-2.0 tons per hectare बिकॉज बेसिक स्लैग इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ कैल्शियम सिलिकेट। नेक्स्ट टॉपिक इज वीट मैनेजमेंट। Echinocloa cruciigelii, which is also called as barnyard grass, and Echinocloa colonum, which is known as wild rice, these are the major weeds of rice. The weed problem is less in lowland transplanted rice as compared to upland direct seeded. जब भी हम direct seeding करते हैं तो उस time पे weed infestation ज़्यादा होता है as compared to transplanting. नेक्स्ट टॉपिक इज हर्बिसाइड विच इज यूज इन राइस क्रॉप। हम कौन कौन से हर्बिसाइड्स का यूज करते हैं राइस क्रॉप में। फर्स्ट में ही हमने पढ़ा था प्रोपेनियल एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड है जिसका यूज हम राइस कल्टीवेशन के लिए करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हैं। फर्स्ट इज बेंथियोकार्प। इट इज यूज एट द रेट ऑफ 2 kg एक्टिव इंग्रीडियंट पर हेक्टेयर। इट इज़ अप्लाइड एज अ प्री इमरजेंस ऑफ वीट। सोइंग करने से पहले हम जो हर्बिसाइड्स यूज करते हैं उन्हें हम प्री इमरजेंस बोलते हैं एंड प्लांट्स ग्रो होने के बाद हम जो हर्बिसाइड यूज करते हैं उसे हम पोस्ट इमरजेंस बोलते हैं।
Now second is propanil. It is applied at the rate of 3 kg active ingredient per hectare. It is applied at 1 week after transplanting or as a post-emergence of weeds. Third is butachylor. It is applied at the rate of 2 to 3 kg per hectare. It is used as pre-emergence, that is, weeds have not emerged in the field. It is effective for the control of both annual grasses and broad-leaved weeds as pre-emergence of weeds because emerged weeds are not killed. Fourth is Anilfos. It is a pre-emergence and early post-emergence selective herbicide which is used for the control of annual grasses, sedges and some broad-leaved weeds in transplanted and direct seeded rice. Next one method is given, which is known as beutioning. It involves cross-plowing the young crop 4 to 6 weeks after sowing with a light country plow in 5 to 10 cm standing water once or twice. The purpose behind this is to control weeds, optimize crop strength and provide soil aeration. Next, यहाँ पे एक important practice दी है जो कि हम rice cultivation में adopt करते हैं and इसका name है puddling. Puddling एक important practice है, ये tillage के जैसे ही होती है. जिस टाइप से हम सॉइल के हार्ड एग्रीगेट्स एंड हार्ड पेंट्स को ब्रेक करने के लिए, सॉइल को मैनिपुलेट करने के लिए टीलेज करते हैं, सेम उसी टाइप से जब सॉइल के अंदर एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होता है उस टाइम पे सॉइल एग्रीगेट्स को डिस्ट्रक्ट करने के लिए हम एक मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं सॉइल में. एंड यहाँ पर हम जो इक्विपमेंट यूज करते हैं उसे हम पडलर बोलते हैं. पडलिंग मेथड से हम हार्ड सॉइल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिसकी वजह से क्रॉप की रूट्स इजीली सॉइल को पेनिट्रेट कर सकती है एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सक्सीडिंग अपलैंड क्रॉप्स ग्रोन इन रोटेशन विथ राइस. पडलिंग इंक्रीजेस द बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल अबाउट फ्रॉम 1.4 टू 1.7 ग्राम पर सीसी. ऑब्जेक्टिव बिहाइंड पडलिंग इज टू रिड्यूस द परकोलेशन लॉसेस ऑफ वाटर. पडलिंग मेथड में हम वाटर परकोलेशन लॉस को कम कर देते हैं, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है. इसके अलावा हम वीड इन्फेस्टेशन को भी रिड्यूस कर सकते हैं एंड टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी के लिए भी हम पडलिंग मेथड को यूज करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिटिकल स्टेजेस फॉर वाटर और इरीगेशन. कल मैंने एक टेबल दी थी जिसमें मैंने सभी क्रॉप्स की क्रिटिकल स्टेजेस दी थी फॉर इरीगेशन के लिए. तो राइस में क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं टिलरिंग स्टेज एंड बूटिंग स्टेज. बूटिंग स्टेज का मतलब होता है जब भी फ्लैग लीफ स्वेल हो जाती है उस स्टेज को हम बूटिंग स्टेज बोलते हैं. टिलरिंग स्टेज विच कम्स आफ्टर 2 to 20 days आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग एंड बूटिंग स्टेज इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर वाटर इन राइस क्रॉप. नेक्स्ट डेपोक मेथड ऑफ राइस कल्टिवेशन. This method was introduced from Philippines. It comprises rising of a dense state of seedling without contact of soil. In this method, the seedling becomes ready for transplanting on 12th day after seeding. Rate of nursery sprouted seeds as 3 kg per meter square on wooden planks, trays, concrete floor and seeded bed covered with polythene sheet. Hence, 25 to 30 meter square nursery area is sufficient for 1 hectare. Next topic is hybrid rice. In the last decade of 1970, hybrid rice was firstly developed by China by using cytoplasm male sterility and fertility restored gene system. After China, India is second country to commercialized hybrid rice of APRH first, APRH second, KRH and MGR first. PHP 71 is the only hybrid rice which is released by private organization. Next topic is golden rice. Golden rice के बारे में हमने starting के lectures में भी पढ़ा था. Golden rice का मतलब होता है, इस राइस में हमने बीटा कैरोटीन रिच जीन को इंट्रोड्यूस किया है विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग.
and that fortified the vitamin A content in rice. It is a transgenic or genetic modified rice. The term golden rice was given by Ingo Potricus. Next topic is SRI, which is known as System of Rice Intensification. This methodology was developed by Henry D. Lolleny in Madagascar in 1980s. SRI एक agroecological approach है जिसमें हम plants, soil, water, nutrients इनका management करते हैं and organic manure का use करते हैं and इसका main objective होता है to increase the productivity. The basic principle in SRI are significantly reducing plant population, irrigation quantities and improving soil condition by using less or nil herbicide or chemical. SRI एक ऐसा method है जिसमें हम herbicides और chemicals का कम से कम use करते हैं and हम mostly इसमें organic manures का use करते हैं. इसके अलावा कुछ agronomical practices अडॉप्ट करते हैं जिससे हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं. इट्स बेनिफिट इंक्लूड्स 20-100% और मोर इंक्रीज्ड यील्ड्स, अप टू 90% रिडक्शन इन रिक्वायर्ड सीड्स एंड अप टू 50% वाटर सेविंग. इस मेथड को यूज करके हम 50% वाटर सेव कर सकते हैं, 90% सीड रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं. विथ SRI एवरेज यील्ड ऑफ राइस आर 6-7 टन्स पर हेक्टेयर. एंड अगर हम कन्वेंशनल मेथड से देखें तो कन्वेंशनल मेथड से 2-3 टन पर हेक्टेयर का प्रोडक्शन होता है, जबकि SRI मेथड को यूज करके हम 6-7 टन्स पर हेक्टेयर यील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं. इन SRI वाइड स्पेसिंग प्लांटिंग are adopted and transplanting of young seedling at two leaf stage occurred. A nursery area is 100 meter enough with the seed rate of 2 kg per acre or 5 kg per hectare. The demerit of SRI is higher labor cost in initial years. जैसे कि SRI के बहुत सारे benefits हैं कि इससे seed requirement कम होती है, land requirement भी कम होती है, irrigation वाटर को हम 50% तक सेव कर सकते हैं, ये सॉइल की कंडीशंस को इम्प्रूव कर देता है, लेकिन इसका एक डीमेरिट है कि इसमें लेबर कॉस्ट हाई लगती है एंड प्रोडक्शन कॉस्ट भी हाई होती है. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेसिंग ऑफ राइस. राइस में मेनली 3 प्रोसेसिंग मेथड्स होते हैं, मिलिंग, पॉलिशिंग ऑफ राइस एंड परबॉइलिंग. मिलिंग मीन्स the removal of alluron layer and embryo during polishing of rice grain. And जब भी हम continuously polished rice का consumption करते हैं तो उससे हमें beriberi नाम की disease हो सकती है, which is caused due to deficiency of vitamin A. जब भी हम milling करते हैं तो vitamin B loss हो जाता है. Second is polishing of rice, the removal of very fine bran clinging to mild rice and smoothening of the surface is called as polishing. Polishing का मतलब होता है smoothening of the surface. Third is parboiling. It is a hydrothermal process in which the crystalline form of starch is changed into an amorphous form on account of irreversible swelling and fusion of starch. So this is all about rice cultivation. Now next topic is wheat. Wheat, its botanical name is Triticum astivum. Its chromosome number 2N equals to 42. Wheat ranks first in the world among the cereals both in respect of area and production. So wheat is called as king of cereals. In India, wheat is second most crop in area and production after rice. Wheat contains spongy protein which is known as glutein protein. It is the colloidal complex of gliadin and glutenin in equal amounts, which is essential for baking and bakery products. Gluten is somewhat harmful to children's health. Wheat proteins is rich in niacin and thiamine content. Niacin means vitamin B3 and thiamine means vitamin B1. So wheat protein is rich in vitamin B1 and B3 content. Pearling index in wheat is used to determine the hardiness of grain.
A higher the value of PI means lower kernel hardness. In wheat, the permanent adventitious root develops below the soil surface after the appearance of first leaves, and this stage is called as CRI stage. CRI stage is the most critical stage for irrigation. And this root is called as clonal roots. जब भी wheat plant के अंदर clonal roots arise होती है, उसे हम CRI stage बोलते हैं. Wheat inflorescence is known as ear or spike. मैंने बताया था, जितने भी cereals होते हैं, उनका inflorescence spike होता है and fruit type caryopsis होता है. Mustard is a very common crop, usually intercropped with wheat. The test weight of wheat grain is 40 gram. वीट की एक मिमिक्री वीड होती है जिसे हम फेलेरिस माइनर बोलते हैं. ये दिखने में एकदम सिमिलर होती है बट इनका टेस्ट वेट डिफरेंट होता है. फेलेरिस माइनर का टेस्ट वेट होता है 2 ग्राम एंड वीट ग्रेन का टेस्ट वेट होता है 40 ग्राम. द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्वार्फनेस इन वीट इज नॉरिन 10 विच इज द जैपनीज वेराइटी आइसोलेटेड बाय डॉक्टर बोरलॉग इन 1960 एट मैक्सिको. In India, introduced dwarf photo-insensitive high-yielding Mexican varieties in 1963 like Lerma Rojo, Sonera 63, Sonera 64 and Mevo 64. They were imported by the Minister of Agriculture, Sri C. Subramaniam and released for commercial cultivation in India in 1965. These varieties were responsible for Green Revolution in India. ग्रीन रिवॉल्यूशन में मेनली हमने इन्हीं वेराइटीज को यूज किया था. नेक्स्ट टॉपिक है एरिया एंड प्रोडक्शन. इंडिया में वीट कल्टीवेशन में सबसे ज्यादा एरिया कवर किया है यूपी, फॉलोड बाय एमपी एंड देन पंजाब. प्रोडक्शन वाइज देखें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है यूपी, फॉलोड बाय पंजाब एंड देन हरियाणा. प्रोडक्टिविटी वाइज वीट कल्टीवेशन एंड राइस कल्टीवेशन दोनों में ही लीडिंग स्टेट है पंजाब. The highest productivity of wheat in Punjab due to nearly 100% area of wheat is under irrigated condition and higher doses of fertilizer consumption. आगे के दो lectures में भी हम crop production को ही discuss करने वाले हैं, इसीलिए better होगा कि आप ऐसे comparison करके पढ़ें. जब भी आप next crop पढ़ेंगे तो आपको previous crops का ऐसे याद होना चाहिए किसकी सॉइल कंडीशन ये थी, इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन ये, इसकी फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट ये है, या फिर हम इसके लिए एक टेबल भी प्रिपेयर कर सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन. फर्स्ट है कॉमन ब्रेड वीट. इट्स बॉटेनिकल नेम इज ट्रिटिकम एस्टिवम. इट इज अ हेक्साप्लॉइड स्पीशीज. इट्स क्रोमोसोम नंबर इज 2n = 42. इट ऑक्यूपाइज अबाउट 87% ऑफ वीट एरिया. इंडिया में हम 80% एरिया वीट कल्टीवेशन ट्रिटिकम एस्टिवम ने कवर किया है एंड इसके बाद आता है ट्रिटिकम डूरम. इट इज गुड फॉर मेकिंग चपाती एंड बेकरी प्रोडक्ट्स. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय बोरलॉग फ्रॉम मैक्सिको, हेंस कॉल्ड एज मैक्सिकन ड्वार्फ वीट एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रिवोल्यूशन. सेकेंड स्पीशीज इज डूरम and it is called as macaroni wheat. It is also a tetraploid species and its chromosome number is 2n = 28. It is used for preparation of suji, semya preparation. It occupies about 12% of wheat area, particularly in central and southern India in rainfed conditions. Triticum durum varieties are Jairas and Malvika. Third species is emmer wheat. Its botanical name is Triticum dicocum. It is a tetraploid species. Its chromosome number is 2n = 28. India ke andar only 1% area emmer wheat ne cover kiya hai. And ye mostly grow hoti hai Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu. It is suitable for the preparation of South Indian dish called as upma. Fourth species is diploid species. Diploid species are Triticum monococcum and Triticum agiloploids. Their chromosome number are 2n = 14 and they are diploid weeds. Next point है origin place of wheat. Origin हुआ है wheat का southwest Asia से.
Next topic is irrigation stages of wheat. इरिगेशन करने के लिए सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है CRI स्टेज, जिसे हम क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज बोलते हैं. इट कम्स आफ्टर 21 डेज ऑफ सोइंग. इट इज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन रूट एंड शूट. सेकेंड स्टेज है टिलरिंग स्टेज. इट कम्स आफ्टर 40 टू 45 डेज ऑफ सोइंग. थर्ड इज जॉइंटिंग स्टेज. इट कम्स आफ्टर 60 टू 65 डेज आफ्टर सोइंग. फोर्थ इज फ्लावरिंग एंड बूटिंग स्टेज. इट कम्स आफ्टर 80 टू 85 डेज ऑफ सोइंग. फिफ्थ इज मिल्किंग स्टेज. मिल्किंग स्टेज का मतलब होता है जब भी हम ग्रेन को ब्रेक करके देखते हैं तो इसमें से एक मिल्की फ्लूड निकलता है, उस स्टेज को हम मिल्की स्टेज बोलते हैं. इट कम्स 100 टू 105 डेज आफ्टर सोइंग. एंड लास्ट इज डो स्टेज. डो स्टेज का मतलब होता है जब भी वो मिल्की फ्लूड हार्डेंस में कन्वर्ट हो जाता है, एक थिक फ्लूड बन जाता है, उसे हम डो स्टेज बोलते हैं. इफ वाटर इज अवेलेबल टू प्रोवाइड ओनली वन इरीगेशन, अगर हमें सिर्फ एक इरीगेशन करना है तो वो हम CRI स्टेज में करते हैं, विच इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरीगेशन. If water is available to provide two irrigation, then it is preferred at CRI and flowering or booting stage. Next topic is climate. Wheat is a C3 plant. हमने राइस में पढ़ा था, राइस भी C3 plant था, but वो एक short day plant था, but wheat is a long day plant. The most ideal condition for desirable wheat growth are up to 115 to 120 days after sowing. Cool or moist weather condition is required during vegetative growth period and warm and dry weather condition is required during grain formation. Next topic है booting stage. Booting stage या फिर हम इसे flowering stage भी बोल सकते हैं. इस stage में जो flag leaf होती है वो swell होना start कर देती है. This is the stage of maximum leaf areas. Next topic is varieties. Norin 10 cultivar has created a new chapter in the history of wheat breeding. The dwarfness of Norin was the result of two particularly recessive genes which marked with the symbol SD1 and SD2. Norin 10 के अंदर जो dwarfness के लिए genes हैं उनका name है SD1 and SD2. Mexican varieties were red colored grains while Indian and its cross are amber colored. फर्स्ट वेराइटी है सिंगल चेन ड्वार्फ वेराइटी. द एग्जाम्पल्स आर लर्मा रोजो 64A, सुजाता, गिरिजा विच इज सुटेबल फॉर हिल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, एंड सोनालिका विच इज डेवलप्ड फ्रॉम सेलेक्शन ऑफ HD1553 एंड RR21. सेकेंड इज डबल चेन ड्वार्फ वेराइटी. द एग्जाम्पल्स आर कल्याण सोना, सोनेरा 64, छोटी लर्मा, HD2009 and HD2329 and Janak. Third is triple gene dwarf variety. It was developed in 1970. The examples are Hira, Moti and Lal Badshah. Fourth is mutant varieties which is released from IRI New Delhi. Their examples are Sharwari, Sonera which is developed from Sonera 64 and Pusa Larma is developed from Larma Rojo 64A. इसके बाद यहाँ पर कुछ और पॉपुलर वेराइटीज दी हैं, जैसे कि लोकवान 1 विच इज सुटेबल फॉर लेट सोइंग, C306, इट इज अ टॉल वेराइटी विच इज सुटेबल फॉर रेनफेड, एक्सीलेंट इन चपाती मेकिंग क्वालिटी. नेक्स्ट इज K65, इट इज ऑल्सो अ टॉल वेराइटी बट इट इज सुटेबल फॉर लेट सोइंग एंड सैलाइन सोइल्स. नेक्स्ट इज सुजाता, इट इज सुटेबल फॉर ड्राईलैंड एरियाज. Shailaja, which is suitable for Himachal Pradesh. Malviya 12, it is having protein content is about 15%. WH147, which is suitable for making good quality of chapati. PBW502, it is a good yielder under irrigated and cool climatic condition. DBW17, it is suitable for bread making. Raj 3765, it is a late sowing variety which is resistant to lodging. Next is Raj 4037, it is suitable for wild warm climate. Next is Raj 3077, it is suitable for saline and late sowing.
And last is Raj 4120. It is resistant to UG 99 race of rust. नेक्स्ट टॉपिक दिया है सीड रेट. डिफरेंट मेथड्स के लिए सीड रेट भी अलग अलग होता है. जैसे कि फॉर नॉर्मल सोइंग सीड रेट इज अराउंड 100 kg सीड्स पर हेक्टेयर. फॉर लेट सोइंग और ब्रॉडकास्टिंग के लिए सीड रेट होता है 125 kg सीड्स पर हेक्टेयर. मैंने बताया था कि ब्रॉडकास्टिंग में हमेशा सीड रेट नॉर्मल सोइंग के कंपैरिजन में ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है. फॉर डिबलिंग इट रिक्वायर्स 25-30 kg सीड्स पर हेक्टेयर. वीट में स्पेसिंग होती है रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट इज 22.5x10 सेंटीमीटर इन इरिगेटेड कंडीशन. डेप्थ ऑफ सोइंग की बात करें तो इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ कॉलियोप्टाइज. फॉर सिंगल जीन ड्वार्फ वेराइटीज द डेप्थ ऑफ सोइंग इज 5-6 सेंटीमीटर. फॉर डबल जीन ड्वार्फ वेराइटीज इट इज इक्वल्स टू 5-4 सेंटीमीटर डेप्थ. एंड इन ट्रिपल ड्वार्फ वेराइटीज इट इज सोन एट 3-4 सेंटीमीटर. एंड इन एवरेज 5 सेंटीमीटर डेप्थ इज आइडियल फॉर वीट सोइंग. नेक्स्ट यहाँ पे सोइंग के कुछ मेथड्स दिए हैं. फर्स्ट इज ड्रिलिंग मेथड. इसमें हम ड्रिलर्स का यूज करते हैं. एंड मॉडर्न मेथड्स में हम सीड कम 40 ड्रिल्स का भी यूज करते हैं. सेकंड इज ब्रॉडकास्टिंग मेथड. ब्रॉडकास्टिंग मेथड में सीड्स की रिक्वायरमेंट हमेशा ज़्यादा होती है. इस मेथड में हम मैन्युअली हैंड से ही सीड्स को स्प्रेड कर देते हैं. थर्ड मेथड इज डिबलिंग मेथड. इट इज सोइंग विद डिबलर. डिबलर एक इक्विपमेंट होता है जिससे हम सीड्स को सोन करते हैं. इट रिक्वायर्स लेस सीड्स देन अदर मेथड्स. एंड फोर्थ मेथड इज बिहाइंड द प्लाउ मेथड्स. बिहाइंड द प्लाउ मेथड्स आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज केरा मेथड एंड सेकेंड इज पोरा मेथड. When seeds are dropped by hand in the furrows made by country plow is known as Kera method. But when seeds are dropped in furrow by funnel or knife attached to the plow is known as Pora method. And fifth is FIRB method. It is a new method of sowing in furrow irrigated raised bed system. It gives average to higher yield than other methods. नेक्स्ट टॉपिक इज फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर रिक्वायरमेंट. द रिकमेंडेड डोज ऑफ एनपीके फर्टिलाइजर इज 120:60:40 kg पर हेक्टेयर. नेक्स्ट टॉपिक इज डोजेस. द हाफ डोज ऑफ नाइट्रोजन एंड द फुल डोज ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फोरस आर अप्लाइड एज बेसल एंड रिमेनिंग हाफ डोज ऑफ नाइट्रोजन इज अप्लाइड एट टॉप ड्रेसिंग एट फर्स्ट इरीगेशन. रेनफेड कंडीशन में हम फुल डोज ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर को अप्लाई करते हैं सॉइल में बिफोर सोइंग. अंडर रेनफेड कंडीशन स्प्रे ऑफ थायो यूरिया एट द रेट ऑफ 0.5% इज अप्लाइड इन स्टैंडिंग क्रॉप. इट गिव्स 10-15% हायर यील्ड. नेक्स्ट टॉपिक है वीड मैनेजमेंट. वीड के अंदर टू टाइप्स की वीड होती है मोनोकोट वीड एंड डाइकोट वीड. मोनोकोट वीट का एग्जाम्पल है फेलेरिस माइनर एंड एवेना फटुआ. फेलेरिस माइनर जिसे हम मिमिक्री वीट बोलते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए हम आइसोप्रोट्यूरोन का यूज करते हैं एट द रेट ऑफ 0.75 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर. इसे हम 30-35 डेज आफ्टर सोइंग अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन डॉक्टर आर के मलिक ने बताया था कि आइसोप्रोट्यूरोन के लिए फेलेरिस माइनर ने एक रेजिस्टेंट क्रिएट कर लिया है, जिसकी वजह से अब हम आइसोप्रोट्यूरोन की जगह पर सल्फो सल्फ्यूरोन एंड मेटा सल्फो सल्फ्यूरोन का यूज करते हैं. सेकेंड वीड है एविना फटवा विच इज कोल्ड एज वाइल्ड ओट. टू कंट्रोल द फेलेरिस माइनर एंड एविना फटवा अ पोस्ट इमरजेंस एप्लीकेशन ऑफ ट्राइबूनील इज यूज. सेकेंड है डाइकोट वीड्स. वीट के अंदर डाइकोट वीट्स होती हैं चिनोपोडियम एल्बम एनागेलिस अरवेंसिस एंड मेलियोलोटस स्पीशीज. एप्लीकेशन ऑफ 2,4-D ईस्टर सोल्ट एट पोस्ट इमरजेंस 30-35 डेज आफ्टर सोइंग एट द रेट ऑफ 500 ml पर हेक्टेयर इज यूज टू कंट्रोल द डाइकोट ब्रॉडलीव वीट्स.
In dwarf varieties, the application of 2,4-D should be spread at 30 to 35 days after sowing, because 1 week earlier spray may cause ear malformation in wheat. यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं वीट कल्टीवेशन से रिलेटेड. जो भी हमने अभी डिस्कस किया है ये उसी का समरी दिया है. टेलीग्राम ग्रुप पर हम ये पीपीटी प्रोवाइड कर लेंगे एंड इस पीपीटी से आप ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं. 5 slides दिए हैं यहाँ पर. इसमें मैंने यही सब डिस्कस किया है, टेस्ट वेट, फ्रूट टाइप, मिमिक्री वीट. इसे आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके रिवाइज कर लेना. लास्ट में कुछ पॉइंट्स दिए हैं इम्पॉर्टेंट, इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. फॉर सेफ स्टोरेज, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ग्रेन शुड बी रेंजेस फ्रॉम 10 to 12%. स्टोरेज करने के लिए हम ग्रेन्स को 10 to 12% मॉइस्चर कंटेंट पर स्टोर कर सकते हैं. टिटिकम एस्टिवम वॉज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय एन.ई. बोरलॉग ऑफ मैक्सिको. हार्वेस्टिंग स्टेज में वीट के अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता है 25 to 30%. द ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटीज वॉज रिलीज इन द ईयर 1970. द स्टेट विच इज हैविंग हाइएस्ट प्रोडक्शन एंड कल्टिवेशन एरिया ऑफ वीट इज UP, जिसे हमने डिस्कस किया था. नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट क्वालिटी ऑफ वीट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय करनाल बंट. द ड्वार्फिंग एजेंट फॉर वीट क्रॉप इज साइकोसील. ऑब्जेक्शनल वीट ऑफ वीट इज कॉन्वोल्वुलस अरवेंसिस, वेराइटी ऑफ वीट विच इज ससेप्टेबल टू 2,4-D वेर स्पाइक डिफॉर्मिटी अकर इज HD 2009. प्राइमरी रूट्स इन वीट दैट सपोर्ट्स एंड नरिश द प्लांट एट इनिशियल स्टेज इज कॉल्ड सेमिनल रूट्स एंड इसके बाद क्लोनल रूट्स आती है और उस स्टेज को हम CRI स्टेज बोलते हैं, जो कि इरिगेशन के लिए सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है. इन वीट हाइब्रिडाइजेशन मेथड मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज गुजू मेथड. एब्सोल्यूट वीट ऑफ वीट इज चिनोपोडियम एल्बम. द रिकमेंडेड रेशियो फॉर वीट एंड मस्टर्ड इंटरक्रॉपिंग इज 9:1. द बायोफर्टिलाइजर यूज्ड फॉर वीट इज एजेटोबैक्टर. मल्टीलाइंस इन वीट आर प्रोड्यूस्ड बाय बैक क्रॉस ब्रीडिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम अदर क्रॉप्स को डिस्कस करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.